अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज देखें दुनिया सोशल मीडिया और उसके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे अपनाते। लोग जल्दी फेमस होने के लिए या अपने आप को लोगों की नज़रों के सामने जल्दी से लाने के लिए व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को प्रमोट करने के चक्कर में ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि जिसके ताल्लुक से या जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं या एक अकलमंद इंसान सोच भी नहीं सकता है। और आजकल हमारे यहाँ, हमारी अपनी सोसाइटी में खुद को फेमस करने के लिए, मशहूर करने के लिए या जल्दी से शोहरत पाने के लिए कई एक हथकंडे लोगों ने अपना रखे हैं, जो हथकंडे किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, बल्कि ये दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है और बाद सूरतों में खुद अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। मैं आपके सामने चार चीजें रखता हूं कि ये चार चीजें आम तौर से लोग इख्तियार करते हैं। नंबर एक, उलमा को गालियां देना। उलमा को गालियां देना, बाज लोगों का ये मकसद नहीं हो सकता, उनके दिमाग में उलमा के ताल्लुक से गलतफहमी है तो वो उलमा के खिलाफ बोलते हैं, उलमा के ताल्लुक से जहर अफशानी करते हैं, उलमा के ताल्लुक से गलत बातें करते हैं, उलमा पर कभी कभार हाथ भी उठा देते हैं। ये बिल्कुल गलत रवैया है, ये नामुनासिब रवैया। हाफिज साहिब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो कौम या जो लोग भी उलमा पर उंगली उठाते हैं या उनको परेशान करते हैं, उनके ताल्लुक से जो है वो गलत फहमियाँ मुआशरे में फैलाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को, ऐसी कौम को हकीर और जलील करके रख दिया करता है। आज लोग देखें, सरेआम लोग उलमा का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो अपने आप को फेमस कर रहे हैं या चंद लोग उनको मानते हैं, उनकी वीडियोज़ देखते हैं, उनके पास व्यूज आ जाते हैं तो उलमा पर उंगलियाँ उठाते हैं। उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं, उलमा काम नहीं कर रहे दीन का, उलमा ये नहीं कर रहे, उलमा वो नहीं कर रहे, उलमा अपना काम नहीं कर रहे, उलमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये एक गलत चीज है जिस पर हमारा समाज, हमारा मुआशरा और हमारी सोसाइटी और सोसाइटी पर मौजूद लोग जो सोशल मीडिया पर काबिज हैं या सोशल मीडिया पर उनके कुछ हजार सब्सक्राइबर हैं, वो चंद दुनियावी फायदे के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो ये पहला सोर्स जो इंतहाई नामुनासिब है, जो इंतहाई गलत है, उलमा पर उंगलियां उठाना, उलमा को गालियां देना, वो भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, आप उनसे बात करें, वो अपनी गलती की इस्लाह करेंगे, और अगर इस्लाह नहीं करेंगे तो आपको इजाजत नहीं है कि सरेआम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप जाएं और इस तरह की बातें उनके ताल्लुक से जो है फैलाएं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कतई तौर पर यह बात पसंद नहीं है। नंबर दो, इस्लाम पर एतराजात। जिसको देखो, जिस भी धर्म का मानने वाला हो, फेमस होना है, शोहरत पाना है, मशहूर होना है, चलो भाई इस्लाम की किसी बात पर उंगली उठा दो, एतराज कर दो, मोहम्मद ऐसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की तालीम ऐसी है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, नऊज़ु बिल्ला, या इस्लाम के अंदर ये बात है, ये बात है, इस्लाम तो कत्ल करने का हुक्म देता है, इस्लाम मारने का हुक्म देता है। ओ मेरे भाई, सुनी सुनाई बातें क्यों? इस्लाम का मुताला करें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, सहाबा की सीरत पढ़ें, सलफ सालहीन की जो हमारे बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी सीरत पढ़ें, यकीन माने आप जो है वो इस्लाम के मानने वाले बन जाएंगे और इस्लाम को फॉलो करने वाले बन जाएंगे। और अगर ना बने तो कम से कम इस्लाम के ताल्लुक से जो आपके दिमाग में गलतफहमी है, जो मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस और बातें सुन सुन करके, देख करके आपने जो गलतफहमी या नफरत पाल रखा है इस्लाम के ताल्लुक से और खुद को फेमस करने के लिए आप इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं, वो सारे एतराजात आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये दूसरा अहम पहलू है या दूसरी चीज है जिसको अपना करके लोग वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को चमकाते हैं या फेमस होते हैं या शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता, जिनकी जबान में लुकनत है, जिनके पास अल्फाज नहीं है या जिनके पास जर्रा बराबर नॉलेज नहीं इस्लाम की, जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, वो इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं। नंबर तीन, औरतों के मखसूस मसाइल बयान करना। आप मर्द हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें आपने अज़वाज़े मुतहरात के जरिए, अपनी बीवियों के जरिए मुअल्लिमात की, टीचर्स की एक टीम तैयार की कि आप अपनी बीवियों को बताते थे और उन बीवियों के जरिए औरतों के मखसूस मसाइल का, औरतों का इल्म हुआ। और यहां देखो, ऐरा गैरा नथु खैरा,
उठता है और इस तरह की बातें औरतों के मखसूस मसाइल को वो थंबनेल पर लगा करके ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे जुमले नऊज़ु बिल्लाह हया सर पीटती है, इस्मत फरियाद करती हैं, इतने नामुनासिब अल्फाज, नामुनासिब जुमले कि जिससे हया को भी शर्म आ जाए, हया को भी हया आ जाए। ये सिर्फ इसलिए, किस लिए कि आप देखें सोशल मीडिया पर या जो लोगों की नजरों में आता है वो औरतों का टॉपिक जल्दी फेमस होता है, इसलिए बहुत सारे लोग खुद को फेमस करने के लिए या चैनल को फेमस करने के लिए कभी अपना चेहरा नहीं लाते हैं, या चेहरा नहीं लाते हैं तो पीछे उनकी आवाज रहती है, उनका नाम रहता है और औरतों के मखसूस मसाइल रहते हैं, कोई किस्सा है, कोई मनगढ़ंत कहानी है, कोई मसला है, कोई किसी तरह की बात है और डाल दिया, उनका चैनल जल्दी से आगे बढ़ गया। तो ये खुद को फेमस करने का एक तीसरा हथियार, औरतों के मखसूस मसाइल बयान करना, हालांकि आपको सरेआम लोगों के सामने आकर के, पूरी दुनिया के सामने आकर के औरतों के मखसूस मसाइल बयान करने की इजाजत नहीं है। नंबर चार और आखिरी, जिस्म की नुमाइश करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप रील्स देखते चले जाएं, नऊज़ु बिल्लाह, नहीं देखना, आप नहीं देखना, लेकिन नजरें पड़ती हैं, आप उधर से गुजरे तो ऐसी ऐसी वाहियात वीडियोस कि लड़कियां ये अपने जिस्म की नुमाइश कर रही और जिस्म के मखसूस आज़ा की नुमाइश कर रही हैं, और आप देखें कि 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज उनके हो चुके हैं। क्यों ऐसा? खुद को फेमस करने के लिए, पैसा कमाना है खुद को फेमस करना, पैसा कमाना है खुद को फेमस करना, शॉर्टकट तरीका मिल चुका है कि भाई इज्जत नीलाम करो, पैसा मिलेगा, माल आएगा, तरक्की होगी, ये होगा, बंगला बनेगा, गाड़ी मिलेगी, ये सारी चीजें। ये खुद को फेमस करने का ये एक ऐसा तरीका लोगों ने इख्तियार कर रखा है जिसमें हया गई, जिसमें इज्जत गई, जिसमें जिस्म गया, जिसमें आपके अंदर से शर्म व हया नाम की चीज खत्म हो गई, जिसमें आपने शैतान को खुश किया, जिसमें अल्लाह को नाराज किया। दूसरे तो छोड़े, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लड़के ऐसे ऐसे वाहियात वीडियोस बनाते हैं कि एक नॉर्मल या एक अकलमंद इंसान उसे देखने की भी जो है अपने अंदर हिम्मत नहीं पाता। तो ये चार तरीके जो है, उलमा को गालियां देना, इस्लाम पर एतराजात, औरतों के मखसूस मसाइल बयान करना, या इसी तरीके से खुद के जिस्म की नुमाइश करना और अपनी इज्जत को नीलाम करना, लोगों ने सोशल मीडिया पर मशहूर होने का जरिया बना लिया है इसको, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वीडियोस बनाएं समाज की इस्लाह के लिए, समाज सुधार के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, बुराई को ख़त्म करने के लिए और जो है अच्छाई को बढ़ाने के लिए और शैतान को जो है आप नाकाम बनाने के लिए काम करें। और याद रखें कि जो लोग ये बात पसंद करते हैं कि ईमान वालों, मोमिनों के दरमियान फहाशी, बदकारी, बुराई फैले, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। हमारे लिए क्या बेहतर है वो अल्लाह जानता है, हमारे लिए क्या बेहतर है वो हमें मालूम भी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो इस हवाले से आपके सामने मैंने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझ अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।